बता दो एक बार थोड़ी सी, फार्मर भाई मोटिवेट हो जाएंगे। फिर भी सर चलो पोल्ट्री में से 50-60 हज़ार किनको निकल जाती है सर मंथली। अच्छा 50-60 हज़ार महीना कमा रहे हो आप, मतलब अच्छा खासा अमाउंट है ना, सरकारी जो नौकरी वाला उससे भी थोड़ा ज्यादा ही कमा रहे हो है ना। अच्छा तो WFG जैसे आपने बताया, थोड़ा सा WFG अब तो ये WFG डला हुआ है आपका है ना, तो अब आप WFG पे ज्यादातर काम कर रहे हो है ना, तो WFG में क्या प्रॉफिट है क्या? अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है भाजी। अच्छा ऐसे सीजन के हिसाब से पालेंगे तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा भाजी। जी जी, हाँ जी। अभी जैसे ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे 170 रुपए केजी में आपने सेल किया है, ठीक है, मतलब आपने जैसे बताया कि चैनल से देखा था। हाँ जी। मतलब चैनल यूट्यूब चैनल। अच्छा मतलब यूट्यूब पे देखो ऐसा है बहुत सारी चीजें फेक बताई जाती हैं, बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो भी बनाते हैं जहाँ पे फेक न्यूज होती है, तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि भाई इसमें मुनाफा है? थोड़ा सा आपने बताओ इस बारे में। थोड़े से शुरू करके देख लिया भाजी मैंने, 125 बार से शुरू किया था काम। जी जी। तो मेरे को अच्छा मुनाफा लगा, फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया तो मुनाफा भी जैसे अच्छा आता रहा भाजी। अच्छा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों आज मैं आपको साबी भाई से मिलवाऊंगा जो करीब 4.5 साल से देसी पोल्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और अच्छा खासा बेनिफिट ले रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो इस वीडियो में उनसे हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें भाई किस तरीके से जो ये देसी पोल्ट्री लाइन के अंदर आए और किस तरीके से वो मुनाफा कमा रहे हैं। उनके पास में हर एक वैरायटी के लगभग आपको चिक्स भी मिल जाएंगे, बड़ी बर्ड्स भी मिल जाएंगी, फैंसी ब्रीड का भी उनका काम है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। साथ में दोस्तों आपको बता दूं जो नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, ये मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्म भाई जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूं, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी आती है वो भी आप एक दूसरे एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्म में भाई से सीख सकते हैं। बाकी चलिए जो आज की वीडियो है उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार वीर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस मुर्गी फार्म की लोकेशन के बारे में बता दे। नमस्कार सर, आपका पहले धन्यवाद, आप मेरे फार्म पे विजिट किया। जी धन्यवाद। तो आपका मेरा नाम साबी है सर, सुभान प्रिय पोल्ट्री फार्म के नाम पे हूँ जी। तो मेरा फार्म जो मेन नेशनल हाईवे है अमृतसर जलंधर, उसके ऊपर ही सुभान अड्डे के ऊपर ही है भाजी। जी जी बिल्कुल, ये भाई का एड्रेस और यहाँ पे इनका फार्म है। अच्छा सबसे पहले तो थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, मतलब आप इससे पहले क्या करते थे, आपका थोड़ा बैकग्राउंड क्या, स्टडी का या कोई जो आप बिजनेस कर रहे हो उसका क्या बैकग्राउंड है आपका? स्टडी तो सर मैंने थोड़ा किया है, तो बाकी पहले से मैं 13-14 साल डॉग ब्रीडिंग का काम किया है। जी जी। तो अभी 4-4.5 साल हो गए इसमें आया हूं, पोल्ट्री की लाइन में आ गया हूं। अच्छा पहले आप डॉग ब्रीडिंग का काम करते थे, यानी कि जो कुत्ते होते हैं उनका सेल परचेज का और उनको पालना, बच्चे जो सेल करते हैं वो। अच्छा तब आप 4.5 साल से इस काम के अंदर हो। हाँ जी। तो मतलब इस लाइन के अंदर कैसे आ गया, किसी ने कोई जानकारी दी थी आपको या मतलब अपना शौक हो गया था, थोड़ा सा इस बारे में बताओ। बस सर चैनल देख के जैसे पता चला कि इसमें अच्छा खासा मुनाफा आता है, तो फिर थोड़ा सा जगह थी, मैंने चलो इसका फार्म खोल लिया। 125 बर्ड से शुरू किया था मैंने काम। अच्छा। तो अभी भगवान की कृपा से 1500-2000 बर्ड होता है अपने पास। 125 बर्ड से स्टार्टिंग करी थी आपने 4 साल पहले। अच्छा 4 साल पहले, मतलब आपने जैसे बताया कि चैनल से देखा था। हाँ जी। मतलब चैनल यूट्यूब चैनल। अच्छा मतलब यूट्यूब पे देखो ऐसा है बहुत सारी चीज़ें फेक बताई जाती हैं, बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो भी बनाते हैं जहाँ पे फेक न्यूज़ होती है, तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि भाई इसमें मुनाफा है, थोड़ा सा आपने बताओ इस बारे में। थोड़े से शुरू करके देख लिया भाजी मैंने, 125 बर्ड से शुरू किया था काम। जी जी। तो मेरे को अच्छा मुनाफा लगा, फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया तो मुनाफा भी जैसे अच्छा आता रहा भाजी। अच्छा मतलब जो स्मार्ट फार्मर होता है वो स्टार्टिंग छोटे फार्म से करता है, उस तरीके से आप बढ़े हो, एकदम से लंबी छलांग नहीं लगाई आपने, थोड़े से शुरू किया 125 बर्ड से। जी जी जी। अच्छा लगभग 4-4.5 साल का आपका एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो ऐसा नहीं है कि आपने हर बार कुछ प्रॉफिट ही कमाया होगा, कुछ लॉस भी करा होगा। हाँ। थोड़ा सा उस बारे में अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करो फार्मर भाइयों के साथ। जैसे सर चलो धीरे धीरे जैसे नॉलेज बढ़ती है, थोड़ा बहुत लॉस भी होता है उसमें, फिर धीरे धीरे करके चलो अभी समझ आ गया पूरा, अभी तो वैसे काम अच्छा चल रहा है सर। जी जी जी। अच्छा मतलब थोड़ा सा बताओ कि लॉस इसमें कहाँ लगता है? वो सर जैसे नया फार्मर ने काम शुरू करना तो वो थोड़ा सा बड़ा बच्चा लेके शुरू कर सकता है, 10 दिन का 20 दिन का, तो हमारे पास पूरा वैक्सीन फुल बच्चा मिलेगा, तो एक उसका थोड़ा सा केयर कम हो जाता है। जी जी। जो छोटा बच्चा है उसकी केयर ज्यादा करनी पड़ती है, ब्रूडिंग रूम से टेम्परेचर देना पड़ता है मेन इसको, अगर टेम्परेचर कम मिलेगा
है तभी भी बच्चे का नुकसान हो जाएगा, ज्यादा मिलेगा तभी भी नुकसान ही है भाजी। अच्छा, तो इस वजह से वो बस वही प्रॉब्लम आती है मेन फार्मर को, उससे ज्यादा कुछ नहीं है भाजी। अच्छा अच्छा, चार साल पहले आपने कौन सी ब्रीड से शुरुआत करी थी? आरआईआर से शुरू किया था भाजी। आरआईआर से शुरुआत करी थी, फिर आपने इस चार साल के दौरान कौन सी ब्रीड रखी अपने फार्म पे? अभी सर जी आरआईआर से शुरू किया, फिर डबल एफजी डाला बच्चा, फिर जैसे जैसे डिमांड आने लगी कड़कनाथ चाहिए, जैसे फैंसी बर्ड हो गए, टर्की हो गया, गिनी फॉल हो गया, तो वैसे सारा कुछ धीरे धीरे शुरू करने लगा सर। अच्छा, टर्की भी किया, गिनी फॉल भी किया, अभी भी देख रहा हूँ कुछ बर्ड गिनी फॉल की भी है, टर्की की भी है, सारे। अच्छा, तो ये जो गिनी फॉल है, टर्की, ये मतलब क्यों पालते हैं लोग? मतलब थोड़ा सा शौकिया तौर पे पालते हैं जैसे लोग फार्म के लिए, फार्म में रखने के लिए जैसे। जी जी जी, तो इसी वजह से। अच्छा अच्छा, तो डब्ल्यू एफ जी जैसे आपने बताया, थोड़ा सा डब्ल्यू एफ जी, अब तो ये डब्ल्यू एफ जी डला हुआ है आपका, है ना? तो अब आप डब्ल्यू एफ जी पे ज्यादातर काम कर रहे हो, है ना? तो डब्ल्यू एफ जी में क्या प्रॉफिट है? अच्छा खासा, अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है भाजी। अच्छा, जैसे सीजन के हिसाब से पालेंगे तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा भाजी। जी जी, हाँ जी। अभी जैसे ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे 170 रुपए केजी में आपने सेल किया है, सेल किया, ठीक है। अभी ये महीना चल रहा है अक्टूबर का, है ना? तो अच्छा खासा रेट मिल गया आपको 170 रुपए केजी, वो भी डबल एफ जी का। वैसे डबल एफ जी का देखो किसान भाइयों, मैं बता दूं जो गाजीपुर जैसी दिल्ली मंडी है वहाँ पे 110 रुपए केजी, 105 रुपए, 115 रुपए केजी रेट रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा खासा रेट मिल गया, क्योंकि ये जो महीने होते हैं इनके अंदर डिमांड ज़्यादा होती है। अच्छा, जो 170 रुपए केजी आपको रेट मिला, हाँ जी, वो कौन लोग लेके गए? ट्रेडर भाई लेके गया है या फिर कोई और? जैसे सीधा मेरे को ना शॉप वाले बंदे लगे हुए हैं जैसे, हाँ वो सीधा लेके जाते हैं, वो 170 रुपए रेट भर देते हैं भाजी। अच्छा, अगर जो मतलब होलसेलर बंदा लेके जाएगा वो थोड़ा सा कम देगा भाजी। हाँ हाँ, तो मैं उसी हिसाब से माल तैयार करता हूँ जितना माल मेरे को सीधा शॉप वाले लेके जाए भाजी। जी जी, उसमें थोड़ा सा मुनाफा अच्छा आ जाता है। आपने बताया कि मैं उतना ही माल रेडी करता हूँ जितना कि मेरा शॉप वाला ले जाए, है ना? मतलब रिटेल की मार्केट का आपको अच्छा खासा ज्ञान है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, मतलब कि आप जो मतलब कटर वाले होते हैं उनको बेचते हो आप सीधा? ठीक है, 170 रुपए केजी अच्छा खासा रेट मिल रहा है। जो डब्ल्यू एफ जी ब्रीड है ये कितने महीने में कितने केजी की हो जाती है, कितना फीड खा के? थोड़ा सा इस बारे में बताओ। 65-70 दिन में 2 केजी का हो जाता है। अच्छा, तो 4.25 किलो फीड खा लेता है भाई। 4.25 किलो, 2 केजी वेट गेन करने में। अच्छा, ये आपका एक्सपीरियंस है। बाकी कई लोग बताते 3 केजी फीड खा के हो जाता है। 4.25 किलो केजी खा जाता है। 4.25 किलो खा जाता है। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ आप तो सिर्फ फीड ही चला रहे हो इसको, है ना? घर का कुछ भी अपना दाना नहीं डाल रहे तो, है ना? क्या कोई फार्मर भाई से घर का दाना खिला के भी पाल सकता है? थोड़ा सा इस बारे में बताओ। पाल सकता है पर उतना ग्रोथ लेट आएगा ना भाजी। फीड से काम तो चलो फीड कॉस्टली है थोड़ी सी, पर एक फीड में बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा, सारा बच्चा बढ़िया रेट पे बिक जाएगा भाजी। तो फ्री रेंज में जहाँ घर का फीड खिला के पालेंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत ही आता है, ग्रोथ लेट होता है भाजी। जी जी जी, जैसे वो मेरे ख्याल से 2 महीने, 3-3.5 महीने ले जाएगा 2 किलो होने का। तो मतलब 2 महीने में ये 2 केजी का हो जाता है। हाँ जी। तो आप कौन सा फीड खिलाते हो डब्ल्यू एफ जी ब्रीड को? ऐसा जी, पहले जैसे प्री स्टार्टर फीड आता है, वो फिर उसके बाद स्टार्टर, फिर फिनिशर। अच्छा, फिर फिनिशर। हाँ जी, पहले प्री स्टार्टर, फिर स्टार्टर और फिर फिनिशर। अच्छा, प्री स्टार्टर कितने दिन चलता है? 10 दिन चलाते हैं। अच्छा, फिर स्टार्टर? फिर स्टार्टर उसके बाद जाने की 20 दिन और आगे स्टार्टर चलाएंगे, उसके बाद फिर फिनिशर चलेगा 2 महीने, महीना पूरा फिनिशर चलेगा। अच्छा, महीना पूरा फिनिशर चलेगा। प्री स्टार्टर का वैसे कितना का बैग आता है आपके इधर? सर जी, वो आ जाता है कोई 2,000 के नज़दीक आ जाता है। अच्छा अच्छा, 2,000 के नज़दीक। स्टार्टर है वो थोड़ा सा महंगा है, प्री स्टार्टर उससे भी महंगा है। अच्छा, आपकी है ना, वैसे मैं देख रहा था कि आपकी शॉप भी है, ड्रिंकर फीडर वगैरह भी मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। मैं आपके इधर पंजाब में आया हूँ, बहुत सारे फार्मर भाई हैं पंजाब के भी, हिमाचल भी नज़दीक है, हरियाणा भी वैसे नज़दीक है। तो अगर किसी भाई को ड्रिंकर फीडर भी लेने हो तो भाई के नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से संपर्क कर लेना। इनकी खुद की भी शॉप है ना, वो भी हम वीडियो बीच में लगा देंगे। अच्छा, और क्या क्या प्रोवाइड करवाते हो आप वहाँ पे? सर, ड्रिंकर फीडर हो गया, फीड वगैरह हो गया, तो जैसे वगैरह अपने अभी चिक्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा देते हैं। जी जी, टर्की, फैंसी बर्ड भी हो जाएंगे, देसी भी हो जाएंगे। देसी भी हो जाएंगे, तो भाई के पास में ऑल ओवर चीज़ मिल जाएगी। अच्छा भाई, आपने बताया 125 बर्ड से शुरुआत करी थी, तब आप मेरे को बता भी रहे थे कि वहाँ छोटा कमरा बनाया था, अब मैं देख रहा हूँ सेड अच्छा खासा बड़ा बना लिया आपने, तो ये जो सेड आपका कितना लंबाई है, कितनी चौड़ाई है और इसमें कितनी बर्ड आ सकती है? सर, मैंने 10x35 के 3 शेड बनाए हैं। 10x35 के 10 चौड़ाई और 35 लंबाई, ऐसे 3 शेड बने हुए हैं अपने पास में।
अच्छा एक शेड की बता दो, एक शेड में कितने बच्चे आ जाते हैं? सर बच्चा तो यानी काफी 2000 बच्चा भी इसमें आ जाएगा छोटे शेड में, पर जैसे जैसे बड़ा होगा मेरा नाल नाल बिकता रहता है ना, जैसे 10 दिन के बाद बच्चा बिकना शुरू हो जाता है, फिर ऐसे बिकता जाता है, जैसे जो बड़ा करना है वो 300-400 बच्चा ही आएगा इसमें जी। अच्छा अच्छा, मतलब एक से मेरा रिटेल में बिक जाता है जी। अच्छा आपका थोड़ा जल्दी बिक जाता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती? दिक्कत नहीं आती। लेकिन वैसे 35x10 के शेड के अंदर लगभग 400 बच्चे आराम से आ सकते हैं बड़े साइज का, बड़ा साइज का जी। बच्चा ब्रूडिंग जो करना वो आ जाता है इतना भाई, मैं करता हूँ 2000 बच्चा 2500 बच्चा डाल लेता हूँ। अच्छा जो देसी मुर्गी है WFG हो गया कोई और ब्रीड हो गया, उसको कितने स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होता है वैसे? इसको सर जो बड़ी बर्ड हो जाता है 2 किलो का, उसको 2 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए। अच्छा तो उस हिसाब से आप निकाल लेना फार्मर भाई, उस हिसाब से मेरा बिक जाता है ना भाजी, छोटे से शुरू हो जाता है जी बिल्कुल। अच्छा अपना शिप का भी काम है ना, भेड़ का भी काम है आपने बताया, भेड़ भी भाई ने भेड़ पालन भी कर रखा है, तो आप ये सामने फ्री रेंज एरिया भी दे रखा है, तो ये मुर्गियों को छोड़ते हो फ्री रेंज में? अच्छा तो फ्री रेंज से क्या बेनिफिट निकलता है? सर बेनिफिट ये है कि चलो 1-2 घंटा शेड के बाहर घूम लेते हैं, तो जैसे घास वगैरह खा खू लेते हैं, उसके बाद फिर शाम को शेड के अंदर कर देते हैं, इनको फीड वगैरह ही प्रॉपर डालते हैं। वैसे प्रॉपर डालते हो आप? वैसे चलो बाहर फिरने से इनको जरा खुला वातावरण मिल जाता है भाजी, जी बाहर छोड़ देते हैं इनको। अच्छा मैं ये एक चीज और, आप ऑफ कैमरा बताए थे कि आपने कोई भी वर्कर नहीं रखा हुआ? नहीं वर्कर नहीं रखा है ना, मैं खुद काम करता हूँ। आप खुद काम करते हो, तो ये मेरे को अच्छी चीज लगी, क्योंकि देखो छोटे फार्मर भाई को है ना वर्कर रख के कुछ नहीं बचना है ना, तो आप कैसे मेंटेन कर लेते हो मतलब इतना सारा फार्म? सुबह 1-1.5 घंटा लगता है अपने को पानी फीड वगैरह भर के, फिर शॉप पे बैठ जाना जाके, उसके बाद फिर शाम को आगे 5 बजे आगे 7 बजे तक काम समाप्त करके फिर घर पे, मतलब अपना एक और बिजनेस भी कर रहे हो साइड में, ये बिजनेस भी चल रहा है। नहीं बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं देख रहा हूँ आपके बच्चे भी बड़े खुश हैं इस काम से है ना, आपका आप बता रहे थे हाथ बटाते हैं, ठीक है, तो बच्चों के लिए ये कैसा काम है, मतलब अगर बच्चा भी संभाले इसको या घरवाली संभाले तो मतलब अच्छा काम है? मेरे साथ जैसे पाजी काफी छोटे छोटे फार्मर जुड़े हैं, उनमें से लेडीज भी है जेंट्स भी हैं जी, जी तो वो जैसे मेरे से माल ले जाते हैं वो तैयार कर देते हैं, जैसे मेरे पास डिमांड होती है उनसे मैं माल सेल करवा लेता हूँ पाजी। अच्छा जैसे अच्छा। कई बार मतलब कोई 500-600 बर्ड की है मेरे पास रिक्वायरमेंट है ना, तो फिर उनसे उनका माल तैयार हो जाता है, उनसे भी ट्रॉली का माल। जैसे मेरे पास 3-4 फार्मर मेरे पास जुड़े हैं, वो यानी कि लेडीज भी जुड़े हैं उनसे जी जी बिल्कुल। जैसे साइड बिजनेस रखा है सभी ने, कोई महीने का 10-15-20 हज़ार बच जाता है। हाँ तो इस काम को जरूरी नहीं है कि है ना मतलब जो मेल है वो संभाले, इसको फीमेल भी घर के अच्छे से संभाल सकती है, बल्कि मेल से ज्यादा केयर कर सकती है इनका, सही बात है, ठीक है। तो भाई मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ कि जो औरत लेडीज होती है हमारे घर की घरवाली जिसे बोलते हैं, वो भी इस काम को संभाल सकती है, आपके बच्चे भी संभाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसमें पर्सनल इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आप इसे साइड बिजनेस बना सकते हो। अच्छा पाजी एक पर्सनल बात मेरे को आपसे पूछनी है, मंथली या ईयरली आप कितना कमा रहे हो? 4 साल हो गया, अच्छा खासा अरसा हो गया, अच्छा खासा कुछ तो मजा आ रहा होगा तभी होगी इस काम में। अभी देखो कोई बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो तभी, मेरे प्लान है कि सर मैं साल बाद नया बिजनेस जरूर शुरू करता हूँ। जी जी जैसे ये काम चल रहा था, फिर मैंने फीड का काम शुरू कर लिया अपना, तो अभी थोड़े दिन पहले से मैंने 3-4 महीने से शीप फार्मिंग का भी शुरू कर लिया है। जी जी ऐसे चलो अच्छा मुनाफा आता है, बढ़िया चल रहा है सर। सर बता दो एक बार थोड़ी सी, फार्मर भाई मोटिवेट हो जाएंगे। फिर भी सर चलो पोल्ट्री में से 50-60 हज़ार किनको निकल जाती है सर मंथली मेरी। अच्छा 50-60 हज़ार महीना कमा रहे हो आप, मतलब अच्छा खासा अमाउंट है ना, सरकारी जो नौकरी वाला उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही कमा रहे हो है ना, ठीक है। तो अच्छी चीज़ लगी मेरे को युवा भाई की, बाकी भाई के नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अच्छा भाई कोई मेरी वीडियो देख के आपके पास आए कुछ खरीदने के लिए, बर्ड खरीदने आए, उसको डिस्काउंट दोगे? जरूर जरूर भाई, बोल दो वीडियो में कितना डिस्काउंट दोगे। क्या मतलब भाई, मैं वैसे भी होलसेल का काम करता हूँ ज्यादातर, जैसे फैंसी बर्ड है मेरे काफी कस्टमर लगे हैं, मैं होलसेल रेट पे देता हूँ। अच्छा बाकी जो आपकी वीडियो देख के आएगा उसको लेस करूंगा भाई। अच्छा और लेस कर दोगे, परसेंट बोलना चाहोगे? कर देंगे मौके पे भाई, अच्छा खासा कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो वीडियो जरूर बताना कि वो भाई की वीडियो देख के आए हम है ना, तो जरूर बताएं। और बाकी है ना देखो मैं फार्मर भाई के नंबर डाल दूंगा, एड्रेस भी डाल दूंगा, लेकिन आप कोशिश करा करें कि है ना नंबर अगर उनका उठा नहीं पा रहे तो आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ठीक है, वो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि फार्मर भाई काम में लगे होते हैं, थोड़ा सा बिजी रहते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू।